वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे सेकंड चैनल के बारे में, जिसमें हम लोग होम रेमेडीज और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें के बारे में बातें करेंगे, काफी सारी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे सेकंड चैनल को। लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, और टॉप पिंड कमेंट्स में भी मैं डाल दूंगा। मेरे दूसरे चैनल की पहली वीडियो आज शाम को ही मैं अपलोड करने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम पैसा खर्च किए आपके पौधों को अच्छी तरह फर्टिलाइज कर सकते हैं। चाहे कोई गुलाब का पौधा हो, चाहे गुड़हल का पौधा हो, चाहे जैस्मिन का पौधा हो, या फिर तुलसी या मनी प्लांट जैसे पत्तों वाले पौधे हों, आप सभी पौधों में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी ऑयल्ड केक्स के बारे में। यह आपके सामने है, ये बादाम की खल है। जैसे जो बादाम होता है, बादाम का तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसको बादाम की खल बोला जाता है। इस बादाम की खल के अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है और नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे पौधों को बहुत अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करता है। आपके पौधों के पत्ते ज़्यादा हरे होते हैं, ज़्यादा घने होते हैं, जिससे आपका पौधा अच्छी तरह से फूड बना पाता है। बादाम की खल के अलावा सरसों की खल भी आप ले सकते हैं। सरसों का तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है मशीन के अंदर, उसको हम सरसों की खल बोलते हैं। इन सारी खल का इस्तेमाल, जो डी ऑयल्ड केक्स जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है, इनका इस्तेमाल हम जानवरों को खाने की तरह, जानवरों के लिए चारा भी इनसे बनाते हैं और जानवर भी इससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल के केक्स भी ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल जब निकल जाता है, जिसे हिंदी में एरंड का तेल बोलते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी खल आपके यहाँ मिल जाए, आप उसका इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं। इन सभी खलों को आप पाउडर बना के अपने गमलों में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तरीका रहता है इन्हें पानी में मिक्स करके, डायल्यूट करके डालना। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप 10 लीटर पानी ले लीजिए। उसके अंदर आप 200 ग्राम के करीब, 200 से 500 ग्राम आप खल ले सकते हैं, कोई भी खल ले सकते हैं, बादाम की, सरसों की, वरना दोनों, या फिर जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो, और उसको आप इसमें भिगो करके छोड़ दीजिए। पानी में भिगोने के बाद एक कुछ ही टाइम बाद फूल जाती है, कुछ घंटों में। उसके बाद हम उसका अपने गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे फर्मेंट होने के लिए भी छोड़ सकते हैं, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ सकते हैं। एक हफ्ते के करीब इसे लगता है डिकम्पोज होने में। अगर आप गर्मियों का मौसम की बात करें तो सर्दियों में इसे और ज़्यादा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। ये सरसों की खल या बादाम की खल आपको अपने लोकल मार्केट में पता करनी पड़ेगी, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप उन शॉप से पता कीजिए जो तेल निकालते हों या तेल बेचते हों, या फिर ऐसी शॉप्स जो चारा वगैरह जानवरों के लिए बेचती हैं, उन पर आपको आसानी से मिल जाएगी। वैसे ऑनलाइन भी मिलती है, लेकिन ऑनलाइन थोड़ी सी ये महंगी मिलती है। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। इस डाइल्यूटेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने पौधों में, फूलों वाले पौधों में तो कर ही सकते हैं, साथ में सब्जियों के पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल अपने भिंडी के, करेले के पौधे में कर रहे हैं। ये करेले की बेल आपके सामने है, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है इस फर्टिलाइजर को देने के बाद से। इसके अलावा घर में सभी फलों के, सब्जियों के पौधों में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने घर में बैंगन लगाए हुए हों या टमाटर लगाए हुए हों, जो भी चीज़ आपने घर में लगाई हुई है, जो भी सब्जी या फल लगाया हुआ है, उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाई मैग्नीशियम वाला फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब के पौधे में डालेंगे तो गुलाब के पौधे को भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, और जिससे वो ज़्यादा फूल आपको देगा। तो आप इस फर्टिलाइज़र का सभी पौधों में अपने इस्तेमाल कीजिए, तुलसी के पौधे में, सभी पौधों में इस्तेमाल कीजिए, और आपको खुद रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करेंगे तो आपके एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक और बिल्कुल सेफ होते हैं, क्योंकि ये सारी एडिबल चीज़ों से बने हुए हैं। कोई भी इसमें केमिकल और हार्मफुल पेस्टिसाइड का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कीजिए। इसके अलावा हमारी कंटेनर गार्डनिंग फैमिली का हिस्सा बनिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज हमारा लाइक करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।